हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाला है फैंटा मैगी। आज पहली बार हम लोग बना रहे हैं फैंटा मैगी, ठीक है। आज हम 10 लीटर फैंटा में आपको 50 मैगी का पैकेट ला के आज हम ट्राई करने वाला है 50 मैगी। और इसको हम अभी आज बनाएंगे। देखिए, अभी मैं तेल डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी ये तेल डाल रहा हूँ, इसमें आ गया तेल। इसको तेल गर्म होने देते हैं। अभी ये गर्म हो गया। गर्म होने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं अभी रेड चिली, हरी मिर्च डाल रहे हैं, रेड चिली डाल रहे हैं हम इसमें। रेड चिली डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, ऑनियन प्याज डाल रहे हैं हम लोग अभी। इसको प्याज डाल के इसको भी फ्राई करेंगे अच्छे से। फ्राई में देंगे। फ्राई होने के बाद अच्छे से इसको, ज़्यादा नहीं, एकदम मीडियम से इसको फ्राई करना है अच्छे से। इसके बाद डालेंगे टमाटो डालेंगे। टमाटर को भी डाल के उसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। टमाटो को भी फ्राई होने के बाद इसको थोड़ा ज़्यादा ना हल्का सा, इसके बाद फिर हम डालेंगे कैप्सिकम। इसमें अभी हम डालेंगे शिमला मिर्च, जो कैप्सिकम होता है ना, अभी हम इसको डाल रहे हैं, कैप्सिकम को डाल रहे हैं। इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे कैरेट गाजर डाल रहे हैं हम। इसके बाद इसको भी अच्छे से फुल अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसको भी, इसके बाद हम नेक्स्ट डालेंगे बीन्स है, ये है छोटा छोटा काट कर हम लोग बीन्स डाल रहे हैं। ये बीन्स है छोटे छोटे कटा हुआ बीन्स है, ये इसको भी अच्छे से हम पूरा अच्छे से पूरा मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे। इसके बाद हम डाल रहे हैं पत्ता गोभी, ये है पत्ता गोभी फ्लावर, काली फ्लावर है ना, ये पत्ता गोभी हम डाल रहे हैं। इसको भी अच्छे से हम मिलाएंगे, पूरा अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई होने देंगे। फ्राई होने के बाद देखिए अच्छे से फ्राई हो रहा है। जब तक ये फ्राई होता है तब तक हम पैंटा को खोलते हैं। खोलेंगे पैंटा, खोल के इसको रेडी कर लेंगे। अभी हमने पैंटा को ओपन कर लिया। ये टोटल 5 बोतल है, 10 लीटर है। ये 10 लीटर का भी हम इसका अंदर डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। देखिए आपका सामने गरम गरम खुद चलता हुआ, इसमें हम अभी पैंट को ऐड कर रहे हैं। देखिए अभी पूरा का पूरा हमने 5 बोतल इसमें डाल दिया। देखिए डालते हैं इसके अंदर से कैसे पूरा, वाह क्या बात है ये। देखो पूरा इसमें से देखिए जो पैंट का जो है फ्लेवर पूरा इधर पूरा साफ जगह में बहुत स्मेल बहुत अच्छे से खुशबू आ रहा है। इसको भी अच्छे से और पकाएंगे। देखिए पूरा का पूरा, वाह शाबाश, डालो शाबाश। ओके देखिए पूरा का पूरा हमने 5 बोतल 10 लीटर डाल दिया। इसको भी आप अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, पकाएंगे। तब तक हम, जब तक ये पकता है तब तक हम इस मैगी को सारा पूरा जितना भी 50 मैगी पॉकेट है इन सबको जो है हम एक जगह ओपन करके रख लेते हैं, ताकि जैसे वो उबलता है गर्म होता है उस टाइम उसको डालने के लिए सही हो जाएगा। इसको सबको हम पूरा अच्छे से जगह एक ही जगह पर सारा पैकेट को ओपन करके रेडी करके रख लेंगे। ओके देखिए सब लोग अभी हम ओपन कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। फटाफट करो गाइस, एकदम फास्ट होना, जल्दी होना मांगता अपन को, लेट नहीं होना, फटाफट करो। रेडी करते हैं फिर इसको ओपन करने के बाद। इसको पूरा हमने अभी ओपन कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, देखिए अभी ये उबल रहा है, अभी पूरा अच्छे से उबल रहा है, अभी पूरा उबल नहीं है। तब तक हम क्या करेंगे, जो मैगी का मसाला रहता है ना, मसाला पैकेट को भी एक प्लेट में इसको अच्छे से ओपन करके रेडी करके इसको भी रख लेंगे। इसको भी पूरा एक जगह एक प्लेट में हम जो है ओपन करके सारा पैकेट को ओपन करके एक ही प्लेट में रेडी करके रखेंगे, ताकि जैसे उबल आता है, उबलते ही देखिए अभी उबल आ रहा है। देखिए पूरा गर्म हो चुका है हमारा जो फैंटा जो है वो पूरा गर्म हो गया, उबलने के लिए आ रहा है। तभी हम इसमें डालेंगे इसका जो मैगी का मसाला था ना, अभी ये डाल रहे हैं मैगी मसाला जो है इसमें हम अभी ऐड कर रहे हैं। देखिए अभी इसको हमने इसमें मैगी मसाला डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे सॉल्ट, अभी ये नमक डाल रहे हैं हम स्वाद अनुसार, हम इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, आप जितना स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो। सॉल्ट डालेंगे इसमें। इसके बाद सॉल्ट के बाद हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर, अभी ये जो है हम ब्लैक पेपर डाल रहे हैं। ये भी ज़्यादा नहीं डालना आपको, हल्का सा थोड़ा सा डालना, ताकि जो इसका फ्लेवर रहता है ना इसका और अच्छा है, इसलिए हम ब्लैक पेपर डाल रहे हैं इसमें। अभी देखिए ये एकदम पूरा उबल रहा है, वाह ये देखिए बढ़िया सा, देखो पूरा का पूरा उबल गया, पूरा का पूरा गर्म हो गया भाई। देखिए एकदम बढ़िया सा उबल रहा है, अभी ये देखो उबल आ गया हमारा जो फैंटा गर्म हो चुका है। अभी इसमें हम डालेंगे मैगी। गाइस डालो जल्दी डालो। अभी हम इसमें डाल रहे हैं पूरा जितना भी 50 हमारा मैगी था सब डाल दिया। देखिए अभी पूरा उबल रहा है, पूरा का पूरा उबल रहा है। उबलने के बाद देखिए हमारा मैगी जो है, वाह एकदम बढ़िया सा, देखिए इसका जो ग्रेवी है थिक थिक है, अभी जैसे उबलते उबलते थिक हो रहा है एकदम बढ़िया। अभी ये रेडी हो गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें लास्ट में इसमें ग्रेप्स डालेंगे डेकोरेशन के लिए। इसमें जो डेकोरेशन के लिए हम ग्रेप्स डालेंगे। अभी देखिए हमारा सारा प्लेट जो है रेडी हो चुका है,
सारा का सारा प्लेट रेडी है हमारा, अभी इसमें हम सर्व करेंगे। सब रेडी, अभी हमने सब सर्व कर लिया, रेडी कर लिया। अब बारी है हमारा टेस्टिंग का, अभी मैं टेस्ट करता हूँ। वाह, देखने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं टेस्ट कैसे होगा। सबसे पहले आपके लिए, हमारा व्यूअर्स के लिए देखिए, देखिए एकदम बढ़िया है। वाह, नॉट बैड, सही यार, ऐसे लग रहा है कि मेरे को जैसे खीर कर रहा हूँ, एकदम मीठा मीठा खीर है। देखिए कितना बढ़िया है, एकदम हाँ एकदम बढ़िया यार, भाई नॉट बैड यार, मैं सोचा भी नहीं था यार इतना बढ़िया बनेगा, बल्कि यार सच में ऐसे लग रहा है कि खीर कर रहा हूँ यार। वाह नॉट बैड, अरे इतना बुरा भी नहीं यार, मैंने सोचा था यार कुछ इसका फ्लेवर अलग होगा, लेकिन बहुत अच्छा, एक बढ़िया एकदम। आप भी घर में एक बार ट्राई कर सकते हो। वाह बढ़िया यार, इतना बुरा भी नहीं यार एकदम, मतलब जैसे लग रहा है कि मीठा, जैसे हमने दूध में जैसे खीर बनाया ना, ऐसे मुझे लगते हैं इसमें बहुत मीठा ज़्यादा हो गया, लेकिन स्वीट स्वीट हमने तो कुछ चीनी वगैरह कुछ भी डाला नहीं, लेकिन देखिए अंगूर कुछ भी हमने डाला, लेकिन इसमें इतना बहुत स्वीट, जो फैंटा का अंदर का जो मीठा था ना, वो स्वीटपन, वो सारा मीठापन शायद इसमें आ गया, एकदम बढ़िया है। आप लोग भी एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए हमारा भाई लोग का, क्योंकि कोई भी वेस्ट फूड हम जो है वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सब लोग अभी उसका हम पूरा बांटेंगे, कोई भी फूड हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अभी मेरे भाई लोग का बारी है, भाई शुरू हो जाओ, सब लोग मजे उठाओ। थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करते रहो, हम ऐसे आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे। और कोई भी आपको अगर कुछ हमारा एक्सपेरिमेंट कुछ भी अगर नेक्स्ट कुछ आप बनाना चाहते हो, कुछ भी हमें बनाना है, तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में बताइए अभी नेक्स्ट टाइम कौन सी चीज़ डाल के क्या चीज़ बनाना है, हम वही चीज़ आपको बना के आपके लिए वीडियो डालेंगे। और हमें सपोर्ट कीजिए गाइस, थैंक यू सो मच, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, थैंक यू।